हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नॉम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे ईएसआईसी के जो क्वेश्चन है उसके बारे में। फ्यूचर में जो ईएसआईसी की एग्ज़ाम आ रही है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, हम उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। जो आगे आने वाली एग्ज़ाम है ईएसआईसी, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो ईएसआईसी से रिलेटेड है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले इस चैनल पर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं एमसीक्यूज के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जो एम्स के एमसीक्यूज है और प्लस में जो ईएसआईसी के एमसीक्यूज है उसमें इतना कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप जो पहले वाली वीडियो है आप उनको भी जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जो भी ईएसआईसी एक्ट था, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 था, उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेनिफिट है वो दिए गए ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में देखिए, सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस और डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो आपको राइट आंसर बताना है कि मतलब दिए गए जो भी अलाउंस है, जो भी बेनिफिट है, उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है ईएसआईसी एक्ट 1948 में, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, चिल्ड्रेंस अलाउंस। जो भी 1948 का जो एक्ट बना था उसके अंदर जो बेनिफिट थे उसके अंदर चिल्ड्रेन अलाउंस है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके अंदर जो भी सिकनेस बेनिफिट है उनको इंक्लूड किया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए गए थे और जो डिसेबलमेंट बेनिफिट है वो इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या है, चिल्ड्रेंस अलाउंस है वो इंक्लूड नहीं था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट, एन इन्फेंट हैज जस्ट रिटर्न्ड टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप ऑन द राइट साइड, द नर्स शुड प्लेस द इन्फेंट इन विच बेस्ट पोजिशन एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है, एक जो भी बच्चा है उसको क्या है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, वो भी राइट साइड की, ठीक है। उसको राइट साइड की क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, तो उसको सर्जिकल जैसे यूनिट में लेके आएंगे तो उसको जो नर्स है वो कौन सी पोजीशन देना चाहेगी। ऑप्शन में देखिए, प्रोन पोजीशन, ऑन द स्टोमैक, लेफ्ट लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। उसको क्या हुई है, सर्जरी हुई है क्लेफ्ट लिप की, कौन सी साइड की हुई थी, वो है राइट साइड की। तो आपको पोजीशन देनी है, तो पोजीशन कौन सी दोगे वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। आप क्वेश्चन को देखिए, जो क्लाइंट है उसको क्या हुआ है, उसको राइट जो भी क्लेफ्ट लिफ्ट है उसकी क्या हुई है, सर्जरी हुई है। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें हम कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन क्यों देंगे, क्योंकि जो भी अगर इसमें एस्पायरेशन है, अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो बेबी है वो एस्पायरेट ना कर जाए। प्रोन पोजीशन नहीं देंगे, अगर हम उसको प्रोन पोजीशन देंगे तो वो क्या है कि उसका जो माउथ है वो नीचे की साइड में रहेगा, तो जो मैटर्स है उससे रब होने लगेगा, तो वहाँ पर जो भी सर्जिकल साइट है उसको क्या होगा, उसको वहाँ पर इंजरी वापस से होने के चांस रहेंगे, इसीलिए हम प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का, एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ईएसआईसी एक्ट। जो भी ईएसआई एक्ट है उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अपने शेयर का। ऑप्शन में देखिए, 2%, 8.33%, थर्ड 0.75% और फोर्थ 4.75%। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ईएसआईसी के एक्ट के अकॉर्डिंग, उनको कितना जो अपना शेयर है वो देना पड़ता है, तो आप बता दीजिए। इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, 0.75%, ठीक है, क्योंकि जो भी ईएसआई है उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वेज पेड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय है वो कितना शेयर करेंगे वो होगा 0.75%, और जो एम्प्लॉयर है उनका कितना होगा वो होगा 3.25%, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट टू द क्लाइंट फॉर कंप्लेंट्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट टू परफॉर्म प्रायर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन वुड बी टू, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया गया है, इसमें क्या है, मॉर्फिन सल्फेट है वो क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर करेंगे किसको, एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट को जिसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। तो जो नर्स है वो क्या असेसमेंट करेगी, क्या इसमें नोट करेगी। ऑप्शन में देखिए, असेस रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, असेस फॉर यूरिनरी आउटपुट एंड एडिमा, असेस कैपिलरी रिफिल एंड स्किन कलर और असेस पेन लेवल एंड क्रेविंग।
पेरिनियल नर्व है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें मॉर्फिन सल्फेट दिया जा रहा है, तो जो नर्व्स है वो क्या असेस करेगी, इसमें आप सोचिए इसमें क्या दे रहे हैं, मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं। तो राइट आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, असेस रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न। क्यों? क्योंकि जो मॉर्फिन है वो क्या है, एक ओपियोइड सबस्टेंस है जो क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी जो सेडेशन का काम करता है, और सेडेशन के साथ में क्या है कि जो भी रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको क्या करता है, वो सप्रेस करता है, ठीक है, उस पर भी सेडेशन का काम करता है। तो इसीलिए जो भी नर्स है जो रेस्पिरेटरी रेट है रेस्पिरेटरी पैटर्न है उसको असेस करेगी, उसको नोट करेगी, अगर वो पेशेंट है उसको मॉर्फिन दे रही है तो, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट हैड एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। ये क्वेश्चन मेरे से 3 से 4 बार पूछा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, इसीलिए मैंने इसको पुटअप किया है। यानी एक क्लाइंट है उसको प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है, तो उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो देखने को मिलेगा, नर्स है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा मॉनिटर करेगी। ऑप्शन में देखिए, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है, आपको क्या देखना है कि जो क्लाइंट है उसको क्या है, एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग सर्जरी है, ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो उसमें मॉनिटर करेगी नर्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फोर्थ, पोटेशियम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, उसको प्रोलॉन्ग सर्जरी हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जिससे वहाँ पे क्या रिलीज होगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो क्या करता है सोडियम को तो रिटेन करता है, लेकिन पोटेशियम उसको क्या करता है, उसको एक्सक्रिएट करने का काम करता है, तो वहाँ पे हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। इसीलिए जो नर्स है वो मॉनिटर करेगी किसको, पोटेशियम को, ठीक है। प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है तो उसमें हम क्या मॉनिटर करेगी, जो नर्स है वो पोटेशियम मॉनिटर करेगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट ए डिक्रीज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नर्स है वो एक डायरिया वाले पेशेंट को क्या कर रही है, केयर कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, तो इसमें आपको कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है, डिक्रीज क्लिनिकल इंडिकेटर बताना है कि वो कौन सा रहेगा। ऑप्शन में देखिए, पल्स रेट, टिश्यू टर्गर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉडी टेम्परेचर। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए, क्या यानी डायरिया के अंदर है तो वो पल्स रेट घटेगी, टिश्यू टर्गर घटेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी घटेगी या बॉडी टेम्परेचर घटेगा। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। आपको मैंने जो क्लिनिकल इंडिकेटर बता दिया है, डायरिया है, डायरिया के अंदर फ्लूड लॉस होता है, ये मैंने एक आपको हिंट और दे दिया है, ठीक है। हिंट क्या है, ये तो आपको सभी को पता है, डायरिया है उसमें फ्लूड लॉस होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो कौन सा उसमें इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सेकंड, टिश्यू टर्गर। क्यों? जो टिश्यू टर्गर है, अगर इसमें डायरिया होगा तो डायरिया में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, जिससे क्या है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी भी कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी डायरिया वाले पेशेंट है उसमें पुअर स्किन टर्गर देखने को मिलता है। और इसमें देखिए, पल्स रेट कम नहीं होती, पल्स रेट बढ़ेगी। आपने देखा होगा जो भी डायरिया डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट है उनके अंदर क्या होता है कि बीपी वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पल्स रेट है वो बढ़ेगी क्योंकि वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। और इसमें थर्ड देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी, पानी की कमी हो रही है तो जिसके अंदर जो भी यूरिन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटी बढ़ेगी। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है टिश्यू टर्गर। डिहाइड्रेशन और डायरिया में क्या देखने को मिलेगा, जो टिश्यू टर्गर है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज इन स्टेट ऑफ अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस, व्हाट अप्रोक्सीमेट आर्टेरियल ब्लड पीएच डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू हैव। क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या है, अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस है, ठीक है, अनकम्पनसेटेड है एसिडोसिस। तो जो नर्स है जो आर्टेरियल ब्लड की उसकी देखेगी, रिपोर्ट देखेगी, तो उसमें पीएच है वो उसको क्या देखने को मिलेगी। ऑप्शन में देखिए, 7.20, 7.35, 7.45 और 7.48। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले ध्यान में रखना कि ये क्या है, अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस है।
तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट 7.20। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे, एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या है कि जो पीएच है वो नॉर्मल से कम ही मिलेगी। जो नॉर्मल पीएच है वो कितनी होगी, वो होगी 7.35 to 7.45। ठीक है, तो यहाँ पे 7.35 से कम क्या है, वो है 7.20। ये क्या है, ये है कम पीएच। तो अगर पीएच कम होगी तो एसिडोसिस देखने को मिलेगा, अगर पीएच बढ़ती तो एल्केलोसिस। ठीक है, और यहाँ पे 7.35 तो वो क्या है, वो कंपनसेटेड है, लेकिन 7.20 वो क्या है, कंपनसेट नहीं है, बॉडी कंपनसेट नहीं कर रही। तो कम क्या है, वो है 7.20। तो राइट आंसर होगा वो होगा 7.20। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलाउ एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक आईवी बैग है, एक आईवी बोतल है, वो आप कितने टाइम तक वो इन्फ्यूज़ कर सकती हो, उसका सॉल्यूशन है, अगर वो आपने तैयार कर लिया बोतल तो आपको कितने टाइम के अंदर उसको यूज करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, 6 hours, 12 hours, 18 hours और 24 hours। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। ये आपकी स्किल को देखने के लिए भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी आईवी फ्लूइड है इन्फ्यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको कितने टाइम के अंदर फिनिश करना है। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, 24 hours। ठीक है, अगर जो भी आईवी बोतल है उसको आपको कितने घंटों में फिनिश करनी है, 24 घंटों के अंदर फिनिश करनी है। अगर आप 24 घंटों के बाद में भी उसको कंटिन्यू यूज में ले रहे हो तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस है, क्योंकि जो फ्लूइड है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, हर 24 घंटे बाद में जो भी अगर फ्लूइड बचा हुआ है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसमें नेक्स्ट एक बात और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जो भी आईवी सेट है आप उसको 72 hours तक काम में ले सकते हो। तो मैंने फ्लूड का कितना बताया, फ्लूड का बताया मैंने 24 hours, और आईवी सेट है उसका कितना है, उसका होगा 72 hours। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थेसिया। एक क्लाइंट है जनरल एनेस्थेसिया से आया है, रिकवरी के लिए उसको आप कौन सी पोजीशन दोगे। ऑप्शन में देखिए, सुपाइन, साइड लाइन, हाई फाउलर और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जो क्लाइंट है उसको क्या दिया गया था, एनेस्थेसिया, अब वो रिकवरी रूम में आया है तो आप वहाँ पे उसको कौन सी पोजीशन दोगे। जो भी आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, साइड लाइन। ठीक है, हम उसको साइड लाइन पोजीशन देंगे, जो लेटरल पोजीशन है वो देंगे, क्यों, एस्पायरेशन को रोकने के लिए। और मोस्टली इस टाइम पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो एनेस्थेसिया रहता है उस टाइम पे क्या है, जो गैग रिफ्लेक्स है वो क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। ठीक है, वो इंटेक्ट नहीं रहता, तो जो पेशेंट है उसकी जो भी टंग मूवमेंट है वो भी उसमें कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और वो एस्पायरेट कर सकता है। इसीलिए हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे, उसको साइड लाइन पोजीशन देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। एक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद में जो भी नर्स है वो क्लाइंट की कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको प्रायोरिटी देगी। ऑप्शन में देखिए, मॉनिटर वाइटल साइन, ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज, मेंटेनिंग ए पेटेंट एयरवे और रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट। तो आपको बताना है एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो ज़रूरी है। समझिए, एक पेशेंट आया है ओटी से आया, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर से, तो जैसे आप उसको रिकवरी रूम में लेके आओगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपको ये बताना है। इसमें देखिए, वाइटल साइन ज़रूरी है, ऑब्जर्व उसका हेमरेज देखना ज़रूरी है, पेटेंट एयरवे देखना ज़रूरी है, या इसका आईओ देखना ज़रूरी है। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। ठीक है, वाइटल साइन भी ज़रूरी है लेकिन आपको जो भी उसका एयरवे है वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, प्रायोरिटी किसको दोगे आप, जो भी पेटेंट एयरवे है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक, क्योंकि अगर उसका जो एयरवे है वो अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो उसका रेस्पिरेशन नहीं चलेगी, तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी होगी और जो लीड कर सकती है डेथ को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेंटेनिंग ए पेटेंट एयरवे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इन द सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए लार्ज सर्जिकल इंसिजन, व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस क्लाइंट।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक क्लाइंट है वो सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती है, ठीक है, और नर्स है उसको केयर कर रही है, किसकी, उसके जो भी लार्ज सर्जिकल इंसिजन है उसकी। तो जो नर्स है वो क्या एंटिसिपेट करेगी, जो नर्स है वो क्या अनुमान लगाएगी कि जो डॉक्टर है उसको कौन सी मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, विटामिन ए, साइनोकोबालामिन, फाइटोनाडियोन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझना, उसको क्या है लार्ज सर्जिकल इंसिजन हो रखा है, ठीक है, उसको क्या है लार्ज सर्जिकल इंसिजन हो रखा है, तो उसके लिए नर्स है वो क्या एंटिसिपेट करेगी कि उसको कौन सी जो विटामिन टेबलेट है वो प्रिस्क्राइब होगी। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फोर्थ, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है, हम उसको क्या बोलते हैं, वाउंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है या जो भी कोलेजन है उनके फॉर्मेशन और उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, उसको क्या लार्ज सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है। तो उसको हील करने के लिए कौन सी विटामिन टेबलेट है वो काम में लेंगे, वो लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्टेरियल ब्लड गैसेज ऑफ ए क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो सीओपीडी वाला पेशेंट है उसकी जो भी आर्टेरियल ब्लड गैस है वो क्या हो रही है, डिटोरिएटेड हो रही है, ठीक है। तो उसमें रेस्पिरेटरी फेल्यूर है वो देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए जो नर्स है वो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है उसको सबसे पहले असेस करेगी। ऑप्शन में देखिए, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, मेंटल कन्फ्यूजन और डिस्टेंडेड नेक वेन। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। पेशेंट है सीओपीडी का, ठीक है, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी फेल्यूर है वो देखने को मिल रहा है, तो जो नर्स है फर्स्ट इंडिकेटर है, कौन से भी इंडिकेटर को असेस करेगी, ऑप्शन मैंने बता दिए, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड, मेंटल कन्फ्यूजन। उसमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, तो उसमें रेस्टलेसनेस वगैरह देखने को मिलेगी। जो साइनोसिस है वो क्या है, वो लेट साइन है। ब्रेडिकार्डिया उसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी न कि घटेगी, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ए क्लाइंट हैज ए फ्रैक्चर्ड मैंडिबल दैट इज इनमोबिलाइज विद वायर्स, फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट। क्वेश्चन में बताया गया है, एक क्लाइंट है उसको क्या है, उसको फ्रैक्चर मैंडिबल था, ठीक है, उसको फ्रैक्चर मैंडिबल है, तो उसको क्या किया गया है, उसको इमोबिलाइज किया गया है वायर के द्वारा, ठीक है। जो मैंडिबल बोन है ये क्या है, ये फ्रैक्चर है, तो उसको क्या किया गया है, उसको इमोबिलाइज किया गया है, उसको हिलने डुलने के लिए रोकने के लिए उसको क्या किया गया है, इमोबिलाइज किया गया है वायर्स के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो नर्स अब मॉनिटर करेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, इन्फेक्शन, वोमिटिंग, ऑस्टियोमायलाइटिस और ब्रोंकोस्पाज्म। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो आप क्वेश्चन को समझना कि पेशेंट को क्या हुआ है, मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ था, फिर उसको इमोबिलाइज किया गया था मैनेजमेंट में वायर के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा वोमिटिंग, ठीक है। उसको क्या है कि उसको क्या हुआ कि मैंडिबल है वो उसकी लॉक्ड है, ठीक है। अगर उसको वोमिटिंग हुई तो वो वोमिटिंग नहीं कर पाएगा, वोमिटिंग नहीं कर पाएगा तो वो उसमें एस्पायरेट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर जैसे पेशेंट ने एस्पायरेट कर लिया, एस्पायरेट करने के बाद में उसमें रेस्पायरेटरी अरेस्ट देखने को मिल सकता है, इसीलिए जो नर्स है वो वोमिटिंग है उसको क्या करेगी, मॉनिटर करती रहेगी कि उसको नोजिया वोमिटिंग तो नहीं हो रहा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन शुड द नर्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन व्हेन ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन एम्पुटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक क्लाइंट है उसको एम्पुटेशन के लिए क्या किया गया था, शेड्यूल किया गया था, तो जो नर्स है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो कब शुरुआत करेगी। ऑप्शन में देखिए, बिफोर द सर्जरी, ड्यूरिंग द कन्वालेसेंट फेज, ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, व्हेन इट इज फॉर ए प्रोस्थेसिस। तो आपको बताना है पेशेंट को क्या शेड्यूल किया गया है, एम्पुटेशन के लिए शेड्यूल किया गया है, उसमें बताना है कि जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो कब शुरुआत होगी। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, बिफोर सर्जरी। ठीक है, जो भी रिहेबिलेशन प्रोसेस है वो प्री ऑपरेटिव से पहले जो भी डॉक्टर से नर्स है वो क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि उसकी रिहेबिलेशन टेक्निक है वो बाद में कैसी रहेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बिफोर द सर्जरी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, ए पैथोलॉजी रिपोर्ट स्टेट्स दैट ए क्लाइंट्स यूरिनरी कैलकुलस इज कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड, व्हिच शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्लाइंट है उसको क्या है, यूरिनरी कैलकुलस देखा गया है, तो वो किससे बनी हुई है, वो यूरिक एसिड से बनी हुई है। तो जो नर्स है जो क्लाइंट्स डाइट में क्या अवॉइड करने के लिए बोलेगी, ऑप्शन में देखिए मिल्क, लीवर, चीज, वेजिटेबल्स। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है, जो यूरिनरी स्टोन है वो किससे बनी हुई है, वो यूरिक एसिड से बनी हुई है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, लीवर। लीवर, लीवर क्यों, क्योंकि लीवर है ये हाई प्यूरिन डाइट के अंदर आता है, और जो भी प्यूरिन है वो किसको लीड करेगी, वो लीड करेगी यूरिक एसिड के जो लेवल है उसको इंक्रीज करने में। ठीक है, तो जो लीवर है और जो भी अदर प्यूरिन डाइट है उसको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, जैसे मीट है ना, उनको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड नर्स असेस दिस क्लाइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक क्लाइंट है उसको क्या हुआ था, उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ था, तो जो नर्स है इसके अंदर जो क्लाइंट है उसके अंदर क्या असेस करेगी। ऑप्शन में देखिए हैमरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन और सब इन्वोल्यूशन। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है, उसका पहले क्या हुआ था, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, तो कौन से कॉम्प्लिकेशन को नर्स वो असेस करेगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा हेमरेज। हेमरेज क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, जो भी रिटेंड है, जो भी प्लेसेंटल है टिश्यूज है वो वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, उसके कारण से क्या होगा, जो हेमरेज है वो देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के चांस वहाँ पे नहीं रहेंगे, हाइपरटेंशन उसमें देखने को मिलेगा नहीं, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पोजीशन शुड ए नर्स टीच ए क्लाइंट टू अवॉइड व्हेन द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग बैक पेन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्लाइंट है वो उसको क्या हो रहा है, लेबर के दौरान बैक पेन फील कर रहा है, तो जो नर्स है उसको कौन सी पोजीशन है वो अवॉइड करने के लिए बोलेगी। ऑप्शन में देखिए सेम्स, सिटिंग, सुपाइन और साइड लाइन। तो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है, अवॉइड करना है, कौन सी पोजीशन को अवॉइड करेगी, लेबर के दौरान जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन अवॉइड करनी है, क्यों, क्योंकि जो भी फिटस है उसका वेट है वो किस पे पड़ेगा, उसकी मदर की बैक पे, अगर वो सुपाइन पोजीशन में रही तो जो भी बैक पेन है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी सुपाइन पोजीशन है उसको अवॉइड करने के लिए बोलोगे, अगर कोई भी मदर है लेबर में है और उसको क्या हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सेफेस्ट पोजीशन फॉर ए वुमेन इन लेबर व्हेन नर्स ऑब्जर्व ए प्रोलैप्स्ड कॉर्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक वुमेन है जो क्या है, लेबर के अंदर है और उसके क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड देखने को मिल रहा है, तो जो नर्स है वो कौन सी पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाने के लिए बोलेगी, सेफ पोजीशन है वो कौन सी देने के लिए बोलेगी। ऑप्शन में देखिए प्रोन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे प्रोलैप्स कॉर्ड, प्रोलैप्स कॉर्ड है, आप उसको क्या करना है, उसको आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कोड पोलिस में हम कौन सी पोजीशन देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी मदर का जो सर है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो पैर वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ, जिसके कारण से क्या होता है, जो भी कोड है, जो भी अम्बिलिकल कोड है उस पर से प्रेशर है वो हट जाएगा, उससे प्रेशर हटेगा तो जो भी फिटस है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन देने का कोई मतलब ही नहीं है, और फाउलर पोजीशन
पोजीशन है वो इंक्रीज करेगी प्रेशर को, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी पोजीशन देंगे, वो देंगे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, विच इज़ द फर्स्ट इंटरवेंशन दैट शुड बी रिकमेंडेड टू ए प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ हेमरॉइड पेन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो कंप्लेन कर रही है किसकी, हेमरॉइड पेन की। तो इसमें फर्स्ट इंटरवेंशन है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स, डाइट मॉडिफिकेशन, सर्जरी और ओरल मेडिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, पेशेंट को क्या है, हेमरॉइड्स है, ठीक है, उसको हेमरॉइड्स पेन हो रहा है। तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होना चाहिए जो रिकमेंडेड करोगे आप, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को। ये चीज़ नोट करने की बात है कि लेडीज वो क्या है, प्रेगनेंसी में है और उसको क्या हो रहा है, हेमरॉइड पेन हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरवेंशन बताना है, जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वो क्या होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, डाइटरी मॉडिफिकेशन। क्यों, क्योंकि हम उसकी जो डाइट है उसको मॉडिफाई करेंगे। उसमें आप क्या दोगे, उसमें आप उसको हाई फाइबर डाइट दोगे, ठीक है। हाई फाइबर डाइट होगी तो उसके जो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस वो कम रहेंगे, जिससे वो आसानी से स्टूल पास आउट कर सके, जो भी हेमरॉइड है उनको हर्ट किए बिना, ठीक है। और इसमें स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, सर्जरी है, ओरल मेडिकेशन है, ये आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, क्योंकि लेडीज़ क्या है, प्रेग्नेंट है। अगर आप उसको मेडिकेशन है, सर्जरी दे रहे हो, तो वो पहले से तो प्रेग्नेंट है, और अगर आप उसको मेडिकेशन दोगे तो वो उस पर जो भी फिटनेस है उस पर साइड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइट में आप उसको क्या दोगे, हाई फाइबर डाइट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, इफ़ ए नर्स इज कंसर्न्ड दैट ए न्यूबॉर्न मे हैव कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज नोटेड। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक जो बेबी है उसमें क्या है, कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर जो भी फर्स्ट असेसमेंट नोट है वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन में देखिए, बल्गिंग एंटीरियर फोंटेनेल, हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू द चेस्ट सर्कमफेरेंस, एनरोड पोस्टीरियर फोंटेनेल और लो सेट ईयर। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस। तो उसके अंदर जो असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, बल्गिंग फंटानेल। क्यों, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल रहा है। हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा तो जो भी हेड है उसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसका जो भी फंटानेल है वो ओपन है तो वो बल्गिंग दिखेगा, मतलब वो आगे की तरफ उसमें क्या होगा, उभार देखने को मिलेगा, ठीक है। बल्गिंग देखने को मिलेगा, बल्गिंग एंटीरियर फंटानेल, ठीक है। और इसमें बाकी के देखिए, जो लो सेट ईयर है ये किस में देखने को मिल रहा है, लो सेट ईयर है ये डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम का एक और बताया था मैंने, उसमें आपको सीमियन क्रीज देखने को मिलेगी, जो पाम है उसमें ओनली वन लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर प्री एक्लाम्सिया हु हैज़ बीन रिसीव्ड इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट फॉर 24 आवर्स, ए नर्स इवैल्यूएट्स दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन नोटिंग। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्लाइंट है, उसको क्या है, सीवियर प्री एक्लाम्सिया है, ठीक है। तो उसको आईवी मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी दी जा रही है 24 आवर्स के लिए। तो जो नर्स है वो इवैल्यूएट करेगी जो मेडिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस को, तो वो क्या असेस करेगी। इसमें ऑप्शन में देखिए, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एन इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ए डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट और एन इंक्रीज इन हेमेटोक्रेट, ठीक है। जो पेशेंट है वो है प्री एक्लाम्सिया का, उसको क्या दिया जा रहा है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट है वो 24 हाउस के लिए आईवी दिया जा रहा है। जो नर्स को है उसको इवैल्यूएट करना है मेडिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, एन इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ठीक है। उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है 24 आवर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका प्रोग्नोस्टिक, जो बेस्ट इसका प्रोग्नोस्टिक साइन होता है वो होता है डायूरेसिस। जो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स है उसमें क्या, उसका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ने लग जाएगा। ये क्या है, बेस्ट प्रोग्नोस्टिक साइन है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो आंसर है वो आपको ही देना है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में वीडियोज आते रहेंगे, जो
कि एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके वीडियोज आते रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एंडोमेथासिन टू एन इन्फेंट डायग्नोस्ड विद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बाई विच रूट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर एंडोमेथासिन फॉर इन्फेंट। क्वेश्चन में बताया गया है एक पेशेंट है, एक बेबी है, उसको क्या है, उसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, तो उसको जो क्या प्रिस्क्राइब हुई है, उसको एंडोमेथासिन ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की गई है, तो जो नर्स है वो कौन सा रूट है वो एक्सपेक्ट करेगी। ऑप्शन में देखिए इंट्रावीनस, ओरल, रेक्टल और इंट्रामस्कुलर। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है, एंडोमेथासिन है वो कौन से रूट से दोगे इन्फेंट को, जो भी राइट आंसर है वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे ESIC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह की MCQs और भी चाहिए ESIC रिलेटेड, और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर बचा हुआ है, तो वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हम आगे लेके आते रहेंगे, अगर ESIC के लिए अगर और भी कुछ चाहते हो तो वो आप कमेंट कर देना, वो अभी जल्दी लेके आएंगे। इस टाइम पे वीडियोस थोड़े कम आए थे मेरे को पता है, लेकिन हम आगे रेगुलर आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।